से ये देखना, व्हाट आर द गैसेस लॉ। तो बेटा पहला लॉ जो देखते हैं वो है बॉयल्स लॉ। आप लोगों ने बेटा इसको पढ़ा है, लेकिन हम इससे जिस वे में पढ़ेंगे वो देखिएगा आप लोग। बॉयल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ किसे कहते हैं, बॉयल्स लॉ के यानी क्या होगी, किस तरह से। अब बॉयल्स लॉ है क्या, तो ये देखते हैं बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ को स्टेटमेंट, लॉ की हमेशा बेटा क्या होती है, स्टेटमेंट। अब देखिएगा बेटा स्टेटमेंट आप लोग खुद करेंगे, मैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कर रहा हूं। स्टेटमेंट देखिएगा आप लोग खुद बता रहे होंगे, मैथमेटिकल फॉर्म हमने देखनी है बेटा, मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। तो पहले मैथमेटिकल फॉर्म्स देखती हैं कि वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस, मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज इनवर्स रिलेटेड विद द प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल। ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल पे होगा। वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज इनवर्स रिलेटेड विद द, यानी वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज इनवर्स रिलेटेड विद द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल इज सेड टू बी बॉयल्स लॉ। इसे क्या कहेंगे, बॉयल्स लॉ कहेंगे। यानी वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज इनवर्स रिलेटेड विद द वॉल्यूम ऑफ। सर बहुत क्लियर नहीं है जी बेटा, बहुत क्लियर नहीं है। यसरा बेटा आपके पास जो व्हाइट बोर्ड जा रहा है वही मेरे पास आ रहा है। सर नहीं, हल्का सा ब्लर्ड है। अमाउंट ऑफ अ गैस, अब क्या डिफाइन करेंगे बेटा स्टेटमेंट, वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या होगा, टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर, टू द प्रेशर एट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टेंपरेचर एंड नंबर ऑफ मोल, दिस इज सेड टू बी बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज इनवर्स रिलेटेड विद द क्या हो जाएगा कि प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड नंबर ऑफ मोल, दिस इज कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की क्या डेफिनेशन है, वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज इनवर्स रिलेटेड विद द प्रेशर, यानी क्या होगा, एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड द नंबर ऑफ मोल इज सेड टू बी बॉयल्स लॉ। इसे क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ कहते हैं। अब बेटा मैथमेटिकल फॉर्म को एक्सटेंड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस, अब प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू को खत्म करेंगे, क्या ले आएंगे, कांस्टेंट, यानी क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय पी। अब इनको आपस में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या हो जाएगा, यानी क्रॉस क्या बनेगा, वी क्रॉस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। अगेन बेटा सेकंड स्टेटमेंट बनेगी, क्या चीज सेकंड स्टेट बनेगी, वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज, यानी क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस एंड द प्रेशर रिमेन कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल, दिस इज सेट टू बी क्या कहेंगे, दिस इज ऑल्सो सेट टू बी बॉयल्स लॉ। अब क्या बनेगा बेटा, अगेन के प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस एंड प्रेशर रिमेन कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, दिस इज सेट टू बी, यानी क्या कहेंगे, बॉयल्स लॉ। इसे क्या कहेंगे, बॉयल्स लॉ कहेंगे। दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट, ये क्या बनेगी बेटा, सेकंड स्टेटमेंट बनेगी। अब हम इसको क्या करते हैं, यानी अब एक्सपेरिमेंटल एविडेंस करते हैं बेटा, सुनेंगे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किस तरह से। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, बॉयल्स लॉ के लिए, अब समझेंगे, हमने डिफरेंट टाइप के क्या लिए, बीकर लिए, और इनके साथ हमने प्रेशर मेजरिंग डिवाइस भी क्या किया, अटैच, यानी मैनोमीटर अटैच कर दिया, ये मैनोमीटर। अब ये पहले गैस मौजूद थी, उसका प्रेशर पी वन टू एटमॉस्फेयर था, जबकि उसका वॉल्यूम उस वक्त क्या था, वॉल्यूम अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, दैट इज अ वी वन, ये वी वन था, ये प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। अब प्रेशर इसका क्या था, यानी 2 atm था। अब हमने प्रेशर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, पहले प्रेशर इतना था, ये 2 atm आपके पास क्या था, इसके ऊपर प्रेशर। अब हमने प्रेशर क्या किया, इसके ऊपर इंक्रीज किया, जैसे हमने प्रेशर इंक्रीज किया एक्चुअली वॉल्यूम क्या हो गया, अगर देखा जाए तो वॉल्यूम इज गेट डिक्रीज, के प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इफ वी इंक्रीज द प्रेशर देन द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज डिक्रीज, प्रेशर क्या हो गया 2 to 4 atmosphere, और वॉल्यूम क्या हो गया 1 to, पहले अगर वॉल्यूम क्या था 1 dm³ था, अब वॉल्यूम क्या हो गया 1/2, यानी हाफ हो गया। अगर हमने प्रेशर को डबल किया वॉल्यूम क्या हो गया, हाफ हो गया, प्रेशर को डबल किया वॉल्यूम क्या हो गया, हाफ, यानी
when we apply the pressure on the molecule of the gases, जब हम गैसेज के मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे अब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा. व्हाई द वॉल्यूम आर गेट डिक्रीज व्हाइल अप्लाइंग द प्रेशर ऑन द गैस मॉलिक्यूल, कि गैस मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेशर के अप्लाई करने से वॉल्यूम क्यों डिक्रीज हुआ, वजह क्या है. तो रीजन क्या देंगे, व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेज, जब प्रेशर अप्लाई करेंगे मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेज के ऊपर क्या होता जाएगा, द गैसेज मॉलिक्यूल आर कंप्रेस्ड, द एम्प्टी स्पेसेस और क्या हो जाएगा, डिक्रीज. एम्प्टी स्पेसेस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे. When we apply the pressure on the molecule of the gases, जब हम molecule of the gases के ऊपर क्या करेंगे, pressure apply करेंगे, empty spaces क्या हो जाएंगी, decrease हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, volume क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो पहले क्या था, pressure कम था, volume ज्यादा था, empty spaces ज्यादा है. जब हमने क्या किया, pressure apply करते गए, क्या हुआ, empty spaces मौजूद थी, वो empty spaces क्या होती गई, कम होती गई. It means क्या होगा, कि if we increase the pressure on the molecule of the gases, the empty spaces are get decreased. Empty spaces decrease होना start हो जाएंगी. That's why the volume of given amount of a gas is decreased. अब product देखें, V before applying the pressure, it is called V1 and the pressure is called P1. Or after applying the pressure is called P2 and the volume is called V2. यानी V1 multiply by P1 is equal to K. And यानी क्या हो जाएगा, V2 multiply by P2 is also equal to K. अब दोनों अगर हम कहते हैं if the constant have same value, then क्या होगा, V1 multiply by P1 is equal to V2 multiply by क्या हो जाएगा, P2 के बराबर आ जाएगा. एक और new mathematical form बन जाएगी. अब apply करते हैं, answer क्या same आता है या नहीं. देखिए volume उस वक्त क्या था, 1 था start में, pressure क्या था, 2 था, is equal to. अब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हुआ, 1/2, प्रेशर कितना हुआ, 4. तो क्या बनेगा, ये 2 अगर हमने का प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट है इज इक्वल टू 2 to the 4, तो ये भी क्या होगा, 2. अब दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है. तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म विच इज यूज फॉर द न्यूमेरिकल पर्पज. ये न्यूमेरिकल पर्पज के लिए क्या होती है, वैल्यू यूज की जाती है. कैसे, इफ वी आर प्रोवाइडेड विद द 3 वैल्यू, V1, P1 एंड P2. अगर हमारे पास V1, P1, P2 दिया हो तो हम V2 फाइंड कर सकते हैं, या हमारे पास V1, P1 और P, यानी क्या होगा, V2 दिया हो तो हम P2 फाइंड कर सकते हैं. यानी if we are provided with the 3 value, then we can find out the 4th value. कि अगर हमारे पास 3 value हमें दी गई हो तो हम इससे क्या कर सकते हैं, 4th value भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. तो ये बॉयल्स लॉ की यानी क्या थी, यानी मैथमेटिकल वेरिफिकेशन या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी. अब हम आते हैं ग्राफ के ऊपर बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी. एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके, वो भी साथ साथ सॉल्व होते जाएंगे. अब समझेंगे बेटा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के अंदर. पहले एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, यानी बॉयल्स लॉ के लिए. अब उन्होंने लिया वॉल्यूम एंड प्रेशर रिलेशन, रिलेशन विदाउट अप्लाइंग और चेंजिंग द कंडीशन, कंडीशन चेंज करने से पहले. अब बेटा क्या होगा, ग्राफ के अंदर देखेंगे, प्रेशर इज टेकन एट एक्स एक्सिस बिकॉज इट इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड द वॉल्यूम इज टेकन एट वाई एक्सिस बिकॉज इट इज डिपेंडेंट क्वांटिटी. अब स्टार्ट में देखें, जब प्रेशर 0 था, प्रेशर ना होने के बराबर था, 0 था, उस वक्त वॉल्यूम मैक्सिमम था. क्यों, प्रेशर ऑफ यानी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज इनवर्स रिलेटेड विद द प्रेशर. जब प्रेशर 0 था, वॉल्यूम मैक्सिमम था, प्रेशर 0 वॉल्यूम मैक्सिमम था, ये मैक्सिमम. यानी अब हम कहते हैं ये हमारे पास 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, उस वक्त वॉल्यूम इसका था ये 2 एटमॉस्फेयर पे. अब पहले 0 पे वॉल्यूम ज्यादा था, यानी वॉल्यूम यहाँ पे था इसका, यूं समझ ले. अब 2 एटमॉस्फेयर वॉल्यूम कम हो गया, फिर हमने प्रेशर क्या किया, 2 से 4 एटमॉस्फेयर किया, वॉल्यूम क्या हो गया, और कम हो गया. फिर हमने क्या किया, 4 से 6 एटमॉस्फेयर किया, वॉल्यूम क्या हो गया, और कम हो गया. और हमने 6 से क्या किया, 8 एटमॉस्फेयर किया, वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया. 8 से फिर हमने 10 एटमॉस्फेयर किया, वॉल्यूम कम हो गया. एक पॉइंट ऐसा आया जब हमने प्रेशर को इंक्रीज किया, फर्दर इंक्रीज इन वॉल्यूम नहीं आया, यानी स्ट्रेट लाइन अपटेन होगी. ये इट मीन
पहले हमारे पास ग्राफ जो बना वो क्या है कि व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस आर गेट डिक्रीज। जब हम प्रेशर को क्या करते जाएंगे इंक्रीज, जब हम प्रेशर को पहले देखिए प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर था तो वॉल्यूम बेटा ये था, अब प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर हो गया तो वॉल्यूम ये हो गया, अब प्रेशर 6 एटमॉस्फेयर हो गया वॉल्यूम ये हो गया, अब प्रेशर 8 एटमॉस्फेयर है तो वॉल्यूम ये हो गया, अब प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर है वॉल्यूम ये हो गया। अब एक पॉइंट ऐसा आया कि वॉल्यूम क्या हो गया कांस्टेंट, इट मींस द गैस इज नो मोर इन अ गैस, इट इज इन अ लिक्विड स्टेट। अब ये 0 डिग्री पे ग्राफ बना रहे थे, जब हमने प्रेशर को क्या किया इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या होता गया डिक्रीज होता गया, इट मीन वॉल्यूम और प्रेशर का इनडायरेक्ट रिलेशन था। अब बेटा हुआ क्या, नेक्स्ट ग्राफ भी इसके साथ ही मैं बना रहा हूं सुनेंगे। अब हमने टेम्परेचर 0 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज करके 100 डिग्री कर लिया या 25 डिग्री कर लिया, किसी भी टेम्परेचर पे देखें। अब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एज वी नो दैट सुनेंगे, हम जानते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया। चार्ट के अंदर वॉल्यूम ये था, अब फिर यानी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या कर लिया हमने इंक्रीज कर लिया। अब फिर उसके बाद टेम्परेचर को क्या रखेंगे कांस्टेंट, पहले टेम्परेचर इंक्रीज किया अब टेम्परेचर को क्या रखा हमने कांस्टेंट, अब टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के फिर प्रेशर इंक्रीज किया, अगेन क्या होगा एक ग्राफ इस तरह से बनेगा, अगेन क्या हो जाएगा प्रेशर के इंक्रीज करने से, पहले देखिए प्रेशर इतना था तो वॉल्यूम 4 एटमॉस्फेयर था तो वॉल्यूम इसका ये था, अब प्रेशर 4 से 6 एटमॉस्फेयर कर दिया वॉल्यूम ये हो गया, अब 8 एटमॉस्फेयर कर दिया वॉल्यूम और डिक्रीज हो गया, 10 एटमॉस्फेयर कर दिया वॉल्यूम डिक्रीज होता गया, यानी अगेन एक क्या बनेगी आइसोथर्म क्या होगी अब्टेन होगी। आइसोथर्म क्यों कह रहे हैं, सेम टेम्परेचर पे पहली लाइन देखी हमने 0 टेम्परेचर पे 0 डिग्री पे, अब दूसरी लाइन देखी हमने 25 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन देखा तो क्या हुई एक आइसोथर्म क्या हुई अब्टेन हुई। तो ये होगा यानी व्हेन वी यानी पुट द प्रेशर ऑन द एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम एट वाई एक्सिस एंड व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गेट अमाउंट ऑफ अ गैस इज गेट डिक्रीज, वॉल्यूम क्या होता गया डिक्रीज होता गया, इसके डिक्रीज होने से क्या बनेगा एक आइसोथर्म क्या होगी ऑब्टेन होगी। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। नो सर। यस्रा। यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा जी बेटा अब दूसरा सर आइसोथर्म को एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। जी बेटा आइसोथर्म का एक्सप्लेन कर दें। बेटा सेम टेम्परेचर आइसोथर्म द ग्राफ व्हिच इज ऑब्टेन्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर दिस इज कॉल्ड एज आइसोथर्म। ओके सर। अब बेटा देखिए नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास दूसरी चीज एक और, ये तो हो गया ये, अब हमने प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन देखना है, बट अब हमने देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन द, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाला रिलेशनशिप क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का। अब सुनेंगे बेटा वॉल्यूम, अब मैं याद दिहाने के लिए ये मेन पॉइंट इस तरह से लिख रहा हूं न्यूमेरिकली वैल्यू पर टाइप लिख रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए बेटा, सुनेंगे वॉल्यूम क्या है हमारे पास इनवर्स है यानी 1/v है, वॉल्यूम की वैल्यू है 1/v, मैथमेटिकली प्रूफ करके दे रहा हूं वहां प्रूफ नहीं है, वॉल्यूम की वैल्यू है 1/v और हमारे पास प्रेशर क्या है पी है, प्रेशर क्या है यानी पी हमारे पास गिवन है। अब इन दोनों का रिलेशन देख रहे हैं, देखिए पहले सिर्फ वॉल्यूम और प्रेशर का था, प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता था, हाँ जी डिक्रीज यानी डिक्रीज, ये प्रेशर और वॉल्यूम का डायरेक्ट था। अब बेटा क्या है प्रेशर और वॉल्यूम क्या इनवर्स है, अब देखिए मैं आपको प्रूफ करके दे रहा हूं बेटा, आप लोगों ने पढ़ा के क्या होता है पी मल्टीप्लाई बाय वी इज इक्वल टू के, ये चीज पढ़ी ना? यस सर। अब बेटा पी मल्टीप्लाई बाय वी, वी की वैल्यू क्या है 1/v एक, या फिर मैं इसको करने की बजाय एक आसान तरीका बता देता हूं ताकि रिलेशन हमारा पूरा आए, कौन सा बेटा
आपने पढ़ा वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज इनवर्स रिलेटेड विद द प्रेशर। अब बेटा मैं कहता हूं वॉल्यूम की वैल्यू पुट करो, क्या वैल्यू है? 1/v। वॉल्यूम की वैल्यू क्या है? 1/v है, इज इनटू क्या हो जाएगा 1/p एट क्या हो जाएगा बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर एंड क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल। अब सुने बेटा वॉल्यूम की वैल्यू पुट करनी 1/v इज यानी क्या होगा इज इनवर्स रिलेटेड विद द 1/p। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं एक साथ लिखे तो क्या बनेगा वॉल्यूम और प्रेशर का क्या रिलेशन बनेगा, दोनों इनवर्स हैं। अब दोनों को इनवर्स का अगर खत्म करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन बनेगा बेटा डायरेक्ट। अब सुने बेटा पहले वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन था, अब वॉल्यूम और प्रेशर का डायरेक्ट ये प्रेशर नहीं है वॉल्यूम नहीं है, ये एक्चुअली है क्या ये वी अब किस चीज को जाहिर कर रहा है इनवर्स ऑफ वॉल्यूम किस चीज को बेटा, क्योंकि वी क्या था यहां देखिए 1/v था। इज इट क्लियर? यस सर। डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है कैसे, अब हम ग्राफ बनाते हैं बेटा कौन सी चीज, अब हमने देखना है किस चीज के दरमियान यानी प्रेशर का और वॉल्यूम का। अब बेटा मुझे बताए कि वॉल्यूम इनवर्स ऑफ वी और यानी क्या होगा वी, इन दोनों का मुझे बताएं बेटा कौन सी एक्स एक्सिस पे लिखा जाएगा। शाबाश। 1/v। हाँ जी 1/v और एक्स एक्सिस पे दूसरा किस चीज पे प्रेशर वाई एक्सिस पे। अब बेटा सुने इनवर्स ऑफ वॉल्यूम जो है एक्चुअली इंडिपेंडेंट प्रेशर वाई एक्सिस पे। अब देखिए P is taken at y axis. अब सुने बेटा अब हम क्या कर रहे हैं देखिए हम कहते हैं इनवर्स ऑफ वॉल्यूम क्या था जीरो था उस वक्त प्रेशर भी जीरो है, अब हम क्या करते जा रहे हैं यानी प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं इनवर्स ऑफ वॉल्यूम भी क्या होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। अब बेटा कौन सी लाइन अपटेन हुई कांस्टेंट, अब देखिएगा समझेंगे कैसे, प्रेशर उस वक्त जीरो था इनवर्स ऑफ वॉल्यूम भी जीरो, अब यानी क्या हुआ प्रेशर ये बढ़ गया इनवर्स ऑफ वॉल्यूम भी बढ़ गया, अब क्या हुआ प्रेशर और बढ़ गया इनवर्स ऑफ वॉल्यूम और बढ़ गया, अब प्रेशर और बढ़ा दिया इनवर्स ऑफ वॉल्यूम और बढ़ गया प्रेशर और बढ़ा दिया इनवर्स ऑफ वॉल्यूम और बढ़ गया, अब प्रेशर और बढ़ा दिया इनवर्स ऑफ वॉल्यूम और क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। इट मीन इनवर्स ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में क्या रिलेशन है डायरेक्ट। वॉल्यूम का प्रेशर के साथ इनवर्स है, वॉल्यूम का प्रेशर के साथ इनवर्स है और प्रेशर का इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के साथ रिलेशन क्या बनेगा डायरेक्ट। क्या बनेगा डायरेक्ट यानी वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज क्या हो जाएगा इज इनवर्स रिलेटेड विद द प्रेशर, इनवर्स रिलेटेड विद द प्रेशर है बट प्रेशर इज क्या हो जाएगा डायरेक्ट रिलेटेड विद द इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। प्रेशर क्या होगा इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के साथ ये डायरेक्ट रिलेटेड होगा दैट इज डायरेक्ट रिलेटेड विद द इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। अब फिर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये हम कह रहे हैं मिसाल के तौर पे 0 डिग्री पे ग्राफ मिला, टेम्परेचर के बढ़ाने से और ज्यादा बढ़ जाएगा इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के लिए आते ये 25 डिग्री सेल्सियस है या दिस वन इज कॉल्ड एज T2 एंड दिस वन इज कॉल्ड एज T1। अब क्या हुआ अगेन देखिए पहले जीरो था उस वक्त जीरो, अब इंक्रीज होता गया वॉल्यूम क्या इनवर्स ऑफ वॉल्यूम क्या हो गया इंक्रीज होता गया, अब मजीद इंक्रीज क्या इनवर्स ऑफ वॉल्यूम क्या हो गया और इंक्रीज हो गया, यानी आप क्या कर रहे हो प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम भी क्या होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, अब जो पहले टेम्परेचर था वो T1 था अब टेम्परेचर क्या हुआ T2 हुआ, यानी अगेन अगर हम क्या करें वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन देखें तो वो इनवर्स रिलेशन है बट प्रेशर का इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के साथ देखें डायरेक्ट रिलेशन है, इसमें आइसोथर्म बनती है, इसमें क्या बनती है बेटा इंक्रीजिंग कर्व, क्या बनेगी इंक्रीजिंग कर्व। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अब हमारे पास लास्ट एक ग्राफ दिया हुआ है सुनेंगे, ग्राफ क्या है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन यस सर पी एंड पीवी।
इसमें एक छोटी सी कंफ्यूजिंग बात है, उस बात को छोड़ दीजिएगा, कंफ्यूजिंग है, मैं उसको इजी करके बता रहा हूँ, सुनेंगे। अब मैंने रिलेशनशिप देखना है पीवी का पी के साथ, यानी पीवी का पी के साथ मैंने क्या करना है, रिलेशनशिप देखना है पीवी। अब मुझे बताएं ग्राफ में कौन सी चीज एक्स एक्सिस पे लिखी जाएगी और कौन सी चीज वाई एक्सिस पे लिखी जाएगी। हाँ जी सर, पी एक्स एक्सिस पे और पीवी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम इज टेकन एट वाई एक्सिस। अब बेटा सुनेंगे, मैं आपसे कहता हूँ प्रेशर वॉल्यूम, एक बात जो मैंने पहले कर दी, प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। प्रेशर वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट। अब बेटा देखें, प्रेशर जीरो था, पीवीबी क्या है, जीरो है। अब प्रेशर हमने इंक्रीज कर दिया, यानी पीवी प्रेशर वॉल्यूम वर्क मैक्सिमम था अगर प्रेशर जीरो था। सुनेंगे, अगर प्रेशर जीरो है तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क मैक्सिमम था। अब फिर हमने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया, फिर क्या हुआ, कांस्टेंट कर्व मिली। क्यों बेटा, वजह क्या है, सुनेंगे। हम देखते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है। अगर हमने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, बट इसका प्रोडक्ट पीवी क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। यानी अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया बेटा, क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। प्रेशर के इंक्रीज करने से, अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। अब बेटा वॉल्यूम अगर डिक्रीज हुआ, लेकिन पीवी क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। यानी प्रेशर के इंक्रीज से वॉल्यूम डिक्रीज होगा, लेकिन पीवी का आंसर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इस तरह से जो ग्राफ ऑब्टेन होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, कांस्टेंट। अब प्रेशर ये था, वॉल्यूम यानी पीवी ये था। अब प्रेशर बढ़ा दिया, पीवी कांस्टेंट रहा। प्रेशर और इंक्रीज कर दिया, पीवी कांस्टेंट रहा। प्रेशर और इंक्रीज कर दिया, पीवी कांस्टेंट रहा। क्यों, क्योंकि प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, प्रोडक्ट कांस्टेंट है। प्रेशर के इंक्रीज, जैसे यहाँ पे देखा, प्रेशर 2 से 4 कर दिया, वॉल्यूम 1 से 1/2 हो गया, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या निकला, सेम। यदि प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। दैट्स व्हाई अ कांस्टेंट कर्व इज ऑब्टेन। अब आपसे यही कुछ पूछा जाता है बेटा, क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पीवी एंड पी, प्रेशर का, प्रेशर वॉल्यूम का पी के साथ क्या रिलेशन है, या व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ प्रेशर विद द इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर का इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशनशिप है, शॉर्ट क्वेश्चन, या व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या रिलेशन होगा, ये वाला, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम। Is it clear? Yes, yes, sir. Yes. किसी का कोई क्वेश्चन बताओ? No, sir. यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? No, sir. देख लो बेटा,